हेलो मेरे एपिक डेवलपर्स, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम स्पेसिफाई कर सकते हैं अपर एंड लोअर नंबर ऑफ मैचेस। इसका मतलब क्या, आपने देखा होगा कि जब हम प्लस साइन का यूज़ करते थे तो हम फाइंड करते थे एक या उससे ज़्यादा कम से कम कैरेक्टर होने चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। और जब हम एस्ट्रिक साइन का यूज़ करते थे कम से कम वो जीरो बारी या उससे ज़्यादा बारी कैरेक्टर होना चाहिए था। लेकिन ये कन्वीनियंट तो होता है, पर कभी कभी हमें क्या चाहिए, हमें किसी रेंज के बीच में चाहिए कि कम से कम ये कैरेक्टर 3 से 5 बार आने चाहिए या 10 से 15 बार आना चाहिए, कम से कम इतना। तो वो रेंज स्पेसिफाई करने के लिए हम यूज़ किसका करते हैं, क्वांटिटी स्पेसिफायर्स का। क्वांटिटी स्पेसिफायर्स को कैसे यूज़ किया जाता है, कर्ली ब्रैकेट्स की मदद से। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, ये कर्ली ब्रैकेट से जैसे लिखा हुआ है, तो जो पहले लिखते हैं हम लोअर नंबर स्पेसिफाई कर देते हैं कि कम से कम इतना होना चाहिए, कॉमा करके फिर नेक्स्ट कर देते हैं हायर नंबर इतना होना चाहिए, ठीक है। सो जैसा कि आप देख सकते हो हमने यहाँ पे एक स्पेसिफाई कर दिया, और एक एग्जाम्पल में अगर आप देखना चाहो तो हमने क्या किया है, एक आ वर्ड है एच, ठीक है, स्ट्रिंग है। हमने इसको बोला कि कम से कम मैच करना है कि ए कम से कम 3 से 5 बार ही होना चाहिए और लास्ट में एच आना चाहिए, ठीक है। तो A4 टेक्स्ट आ गया, ये A2 टेक्स्ट आ गया, ये अब मल्टीप्लाई ए एक रेगेक्स बना दिया हमने, रेगेक्स पैटर्न। सो यहाँ पे बता दिया ए, और इसकी बता दिया कि कंडीशन कम से कम 3 बार ही आना चाहिए। तो फर्स्ट में देखो यहाँ पे 4 बार ही आ रहा है ए, ठीक है। तो यहाँ पे ए और एच मैच हो गया। अब यहाँ पे जब हमने टेस्ट रन किया, टेस्ट आपको पता है ना, इसलिए ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है कि अगर पैटर्न मैच हो गया तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं हुआ तो फॉल्स रिटर्न करेगा। सो अब जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, इसको जैसे ही मैंने इसमें रन किया तो पहले आ गया ट्रू, दूसरे में आ गया फॉल्स। दूसरे में फॉल्स क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 बार ही है, लेकिन रेंज तो कम से कम 3 होनी चाहिए थी, तो इसीलिए। अब यही पैटर्न को हमने यूज़ करना है और यहाँ पे ओ नो को मैच करना है, ठीक है। तो मतलब कि कम से कम जो एच है यहाँ पे देखना चाहिए कि एच कम से कम 3 से 6 बार ही आना चाहिए। तो रेगेक्स पैटर्न को कैसे चेंज करना है, यहाँ पे आप पहले ओ लिख सकते हो, फिर एच लिख दो, फिर रेंज बता दो कि कम से कम 3 से 6, उन्होंने हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 3 से 6 मैंने डिक्लेयर कर दिया और यहाँ पे स्पेस करके मैंने नो कर दिया, ठीक है। तो अब टेस्ट रन कर लेता हूँ मैं। सो जैसा कि आप देख सकते हो, टेस्ट पास हो चुका है हमारा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो इधर शो हो जाएगी, प्लेलिस्ट के लिए आप इधर देख लीजिएगा, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।